हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, पढ़ना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस समझा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, टॉपिक भी समझा दूंगा। लेकिन पढ़ना क्यों है ये आप डिसाइड करिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, किसके लिए। और पढ़ने का ये मतलब नहीं है एग्जाम में नंबर लाना, पढ़ने का मतलब है आप जो भी पढ़ें उसको अपने लाइफ में यूज करिए। ठीक है, जो भी पढ़िए, अच्छा बुरा, बुरा को छोड़िए, अच्छे को अपने लाइफ में और अंदर लेते जाइए। क्योंकि आज जितना भी आप पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट लाइफ में, फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं काम देगा, आपका कोई भी काम खराब नहीं जाएगा। बात करें आज के लेक्चर की, तो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स की। आज का चैप्टर हमारा नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रिफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक, विथ रिफरेंस टू एस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ आटम्स की, कि ऑटम कैसे बिहेव करते हैं, इनका एटॉमिक रेडियस, मेटालिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफेक्ट, यस और पी ब्लॉक में कौन सा ट्रेंड फॉलो होता है और ये सब होते क्या हैं। आज हम पहले बात करेंगे अपने लेक्चर के ब्रेकअप के बारे में, कि हम किस तरह आपका लेक्चर लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे स्टार्टिंग में कैसा दिखता था, या कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर हम डॉबराइनर का लॉ पढ़ेंगे, न्यूलैंड का लॉ पढ़ेंगे, मेंडलीव का पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, जो कि इस टाइम हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम रेडियस का बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस में हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियस देखेंगे, आयनिक रेडियस देखेंगे, मेटालिक रेडियस देखेंगे, कि ग्रुप में और पीरियड में इन सब का वेरिएशन क्या होता है, ये होते क्या हैं, इनको निकाला कैसे जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में, इंथैल्पी या इनर्जी के बारे में, इनर्जी। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का चाहत, किसको चाहत, आटम को, कौन सा आटम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत ज़्यादा रखता है, कौन सा आटम इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत कम रखता है। आटम से मतलब किस एलिमेंट का आटम, आपको मालूम है एलिमेंट का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक आटम होता है, इसलिए जहाँ आटम की बात करेंगे उसका मतलब किसी वो एलिमेंट के अंदर का होगा, उसको आटम बोल रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं होता, एक फोर्स होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की। इसको हम कंप्लीट डीपली डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी बस इतना जान लीजिए कि दो लड़कियां बैठी हैं और एक लड़का है, तो दो लड़कियां क्या चाहेंगी, उस लड़के से बात करने को, और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे को आगे पीछे ढकेलती जाएंगे। अभी बस इतना इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है, इलेक्ट्रॉन के बीच निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है निगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, जैसे दो लड़कियां एक दूसरे को देख कर जलती है, वैसे ये एक दूसरे को देख के जलते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका डीपली हम डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। और आयनाइजेशन इंथैल्पी माने किसी आटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी लगता है। आटम माने देखिए एलिमेंट है, तो एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा नहीं, सॉलिड स्टेट में होगा,
सॉलिड माने कठोर होगा, कठोर जब कोई चीज़ कठोर हो सॉलिड स्टेट में होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो पहले एलिमेंट को सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी देके उसको सॉलिड से गैसेस स्टेट में, सब्लिमेशन एनर्जी एक एनर्जी होती है जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज कर देती है सबस्टेंस को। देखिए ऐसे चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे चेंज होता है जनरली। सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस बनेगा। लेकिन अगर आपको सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज करना किसी चीज़ को, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ये डायरेक्ट एलिमेंट को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने का। देखिए आयनाइजेशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, तो सॉलिड से तो निकलेगा नहीं, निकलेगा गैस स्टेट से, लिक्विड स्टेट से भी नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ही होते ही नहीं कि आप उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, लिक्विड में भी नहीं होते। गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बटेरे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इधर उधर रैंडम घूमते रहते हैं। गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे उसका डेफिनेशन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी पूरा लेक्चर आएगा, अभी सिर्फ सुनते रहिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आटम, GaSeous गैसियस आटम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड, आइसोलेटेड माने अकेला हो, जो कम अकेला हो वो आटम, किसी के साथ बॉन्डेड ना हो। क्योंकि अगर दो आटम एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो उनके बीच एनर्जी, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उनके बीच उनको उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जैसे ये दो आटम एक दूसरे से बाउंडेड हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और आयनाइजेशन एनर्जी होता ही इसलिए है कि सिर्फ एक आटम का कितना होता है। देखिए एक पैरामीटर है कि सिंगल आटम का निकालना है, अगर हमको इसका निकालना है कंपाउंड का तो उसके लिए अलग है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है सिंगल आटम के लिए। आइसोलेटेड माने तन्हा अकेला, किसी के साथ बाउंडेड ना हो, ठीक है। गैसियस आटम, यही है आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन, गैसियस आटम। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता आटम से, हमेशा एलिमेंट से, इसलिए उसको पहले एलिमेंट को गैसेस स्टेट में भेजा जाता है, और गैसेस स्टेट में बटेरे आटम होते हैं, बटेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आराम से निकल सकते हैं। आप देखते नहीं गर्मी के दिनों में साइकिल का हवा अपने आप फट जाता है टायर, वो क्यों होता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में जो गैस के पार्टिकल होते हैं गर्मी से बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं, और जो टायर का दीवार होता है उस पर बार बार स्ट्राइक करते हैं, लड़ते हैं, और जहाँ भी उनको कहीं हल्का सा भी छेद मिलता है तो उसको बड़ा कर देते हैं और अपने आप फट जाता है। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की, आज हम पढ़ेंगे, ऐसे ही हमारा ब्रेक चलेगा लेक्चर का सीक्वेंस। आज हम पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए बात है 1800 की, 1800 के टाइम सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। लेकिन जब 1865 आ गया तो उस टाइम 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, या फिर उतने टाइम तक खोजे जा चुके थे। एलिमेंट्स वियर डिस्कवर्ड VERED 1865 तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, और उसके बाद भी और एलिमेंट लगातार मिलते जा रहे थे। तो इसलिए और प्रॉब्लम यहाँ था ना कि सबको सबका प्रॉपर्टीज पढ़ना, सब साइंटिस्ट हर एलिमेंट का प्रॉपर्टी पढ़ना चाह रहे थे अपने स्टडी के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन इतने तेज़ी से इनका नंबर बढ़ रहा था, 1800 के टाइम सिर्फ 31 थे, लेकिन सिर्फ 65 साल में आते आते डबल हो गए, और इसलिए हर एलिमेंट का प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसीलिए अटेम्प्ट किया गया इनको क्लासिफाई करने का,
ग्रुप में या फिर पीरियड में। पहले तो ये ग्रुप पीरियड होता नहीं था, इसीलिए सिर्फ अटेम्प्ट किया गया कि इनको ऐसी तरह रखा जाए कि किसी एक का प्रॉपर्टी अगर पढ़ लिया जाए तो कुछ उसके बाद कुछ एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी उससे। जैसे आपके स्कूल का लाइब्रेरी है, अगर उसमें किताब को बिखरा 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 रख दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको पढ़ना या फिर उनको खोजना कि है कहाँ पे। अगर लाइब्रेरी में हिस्ट्री का किताब अलग रखा जाए, हिस्ट्री मैथ का अलग रखा जाए और जियोग्राफी का अलग रखा जाए, ऐसे ऐसे अगर हर सब्जेक्ट का बुक अलग अलग रो में रखा जाए तो उनको पढ़ना आसान होता है और खोजना भी आसान होता है कि इस हिस्ट्री के सीक्वेंस में पहले क्लास का हिस्ट्री यहाँ होगा, दूसरे क्लास का यहाँ होगा, 9 क्लास का यहाँ होगा। अगर इन सबको मिला के रख दिया जाए तो 2 दिन लग जाएगा खोजने में कि हिस्ट्री यहाँ पर था कि हिस्ट्री हिस्ट्री वाल क्लास 1 का हिस्ट्री हिस्ट्री के सेक्शन में है कि मैथ के सेक्शन में है। खोजने में ही 2 दिन लग जाएगा, इसीलिए ज़रूरी था जिस प्रकार लाइब्रेरी में बुक्स को सीक्वेंस में रखा जाता है कि खोजने में दिक्कत ना हो, उसी प्रकार एलिमेंट्स को भी सीक्वेंस में रखना ज़रूरी था उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। लिथियम कहीं और रखा था, पोटेशियम कहीं और से पाया गया, लिथियम कहीं और डिस्कवर हुआ, पोटेशियम कहीं और हुआ, वो कुछ वो प्रॉपर्टी तो उनका सेम था लेकिन सब अलग अलग ही पढ़े थे। लिथियम का कोई और पढ़ रहा था, पोटेशियम का कोई और पढ़ रहा था। जब दोनों एक लिथियम पोटेशियम का पढ़ रहे थे तो उनको लगा कि हाँ इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं जिसकी वजह से इनको साथ में रखा जा सकता है। रखा इसलिए जा सकता है कि अगर एक लिथियम का पढ़ लें तो पोटेशियम का भी प्रॉपर्टीज कुछ सेम होती हैं लिथियम से। ऐसे ही स्टार्ट हुआ पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट का, उनको अरेंज करने का, जिसमें पहला स्टार्टिंग जो था वो था डोब्राइनर का। हाँ, उन्होंने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में बांटा। ये तो पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे वॉट इज पीरियोडिक टेबल। वॉट इज पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं 118 एलिमेंट का ग्रुप होता है, लेकिन होता क्या है ये तो बताओ। वॉट इज पीरियोडिक टेबल, पहले लिख रहा हूँ उसको लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ। द पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल इज आर्गुबली RGUBLY GUABLY आर्गुबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री बोथ इन प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस में भी और प्रिंसिपल में भी। पीरियोडिक टेबल इज आर्गुबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। आर्ग्यूबली माने जो किसी तर्क से सिद्ध किया गया हो। जिस प्रकार अर्थ का मोशन अराउंड सन के चारों तरफ न्यूटन ने अपने लॉ से समझाया, उसी प्रकार आर्ग्यूबली माने किसी तर्क से पीरियोडिक टेबल को समझाया गया, उसके सिद्धांत में भी और प्रैक्टिस डेली लाइफ में भी। ठीक है, इट इज द एवरीडे सपोर्ट ऑफ फॉर स्टूडेंट। इट इज द एवरीडे सपोर्ट एज सपोर्ट। एक सेकेंड, मैं पहले ये लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम जा रहा है, आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए, इट इज द एवरीडे सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट सजेस्ट न्यू एवेन्यू ऑफ रिसर्च टू प्रोफेशनल। यह स्टूडेंट्स को डेली लाइफ में सपोर्ट करता है एलिमेंट्स को पढ़ने में, एक सीक्वेंस में पढ़ने में, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल एक सीक्वेंस में होता है तो उसको पढ़ना आसान होता है, और जब एलिमेंट बिखरे हुए होते हैं तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इट सजेस्ट न्यू एवेन्यू ऑफ रिसर्च टू प्रोफेशनल। जो केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं रिसर्च करते हैं, पीरियोडिक टेबल उनको नए नए वे देता है रिसर्च का।
जैसे आपको मालूम होगा, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो लैब में बनते हैं, रेडियो एक्टिव माने जो एक्सरे रिलीज करते हैं, एक्सरे अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो कि सिर्फ मैन मेड होते हैं, लैब में बनते हैं और कुछ ही टाइम के लिए बनते हैं। और जब उनको बनाया जाता है तो उनका नाम दिया जाता है। प्रोफेशनल जो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, नए नए एलिमेंट्स बनाते हैं, उनके लिए पीरियोडिक टेबल एक अच्छा जरिया है, एक अच्छा जरिया है उन एलिमेंट्स को वहाँ पे रखने का उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर। इट इज़ अ रिमार्केबल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट केमिकल एलिमेंट आर नॉट अ रैंडम क्लस्टर ऑफ एंटिटीज बट इंस्टीड डिस्प्ले ट्रेंड एंड लाइट टुगेदर इन फैमिली। यह एक जरिया है यह बताने का कि जो केमिक एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट नोन है। तो पीरियोडिक टेबल ये बताता है कि 118 एलिमेंट सिर्फ एक समूह नहीं है एलिमेंट्स का, वो ट्रेंड फॉलो करते हैं अपने ट्रेंड माने एक रेगुलर इंटरवल पे अपना अपना प्रॉपर्टी चेंज करते हैं पीरियड में। अगर टॉप से बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में उसको ग्रुप बोलते हैं। ट्रेंड में ट्रेंड दिखाते हैं अलग अलग अपना और फैमिली में रहते हैं। जैसे एस ब्लॉक में ग्रुप वन को क्या बोलते हैं, ग्रुप वन को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, पूरे ग्रुप को अल्कली मेटल्स। ग्रुप टू को अल्कली अर्थ मेटल्स माने कि एलिमेंट सिर्फ 118 एलिमेंट का ग्रुप नहीं है, वो ट्रेंड फॉलो करते हैं और अपने अपने फैमिली, जैसे लोग अपने अपने फैमिली के साथ रहते हैं वैसे ये एलिमेंट भी अपनी अपनी फैमिली में रहते हैं। ये डेफिनेशन है पीरियोडिक टेबल का कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं हिस्ट्री में जब शुरुआत हुई थी पीरियोडिक टेबल बनाने की, तो जो पहला अटेम्प्ट था वो लिया गया था जर्मन केमिस्ट, ये जर्मनी के थे केमिस्ट जॉन डोबर इनर। नाम नहीं आता यार हमको इनका पढ़ने, क्या बोलते हैं, डोबराइनर EIN डोबराइनर ठीक है। इन्होंने एलिमेंट का तीन तीन का ग्रुप बनाया, एलिमेंट को तीन के ग्रुप में रखा। जैसे मान लीजिए ए रखा, बी रखा, सी रखा, ठीक है। और फिर इन्होंने ये कहा कि जब इनको तीन के इनके ग्रुप में बोला, तो बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है इसका प्रॉपर्टी इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। इन्होंने ये कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा इसका प्रॉपर्टी इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। एवरेज माने ए प्लस सी बाई टू के बराबर होगा ए बी का प्रॉपर्टी। इन्होंने उस टाइम पे जो भी एलिमेंट नोन थे उनमें से तीन नोन एलिमेंट्स में से तीन तो ग्रुप बनाया और उन ग्रुप को बोला ट्रायड TRAID। ट्रायड माने तीन का ग्रुप, ट्रायड्स तीन का ग्रुप। इन्होंने तीन ग्रुप बनाया, पहला इन्होंने ग्रुप बनाया लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। इन्होंने ये बोला कि सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम पोटेशियम के एवरेज के बराबर होगा। इन्होंने एटॉमिक वेट का एग्जांपल लिया, एटॉमिक वेट से समझाया कि सोडियम का मास 7 AMU होता है, पोटेशियम का 39 AMU, तो लिथियम का 7 AMU होता है, पोटेशियम का 39 AMU, तो सोडियम का एटॉमिक वेट 7 + 39/2 दैट इज 23 होगा। और एक्सपेरिमेंटल जो निकला वो 23 था भी। तो यहाँ पे इनका लॉ ये वैलिड था कि जब एलिमेंट को तीन के ग्रुप में रखा गया तो बीच वाले का एटॉमिक मास दोनों के एवरेज के बराबर था। और इन्होंने इनका दूसरा जो ट्रैट था उसका ग्रुप में जो एलिमेंट थे उनका नाम था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 AMU, बेरियम का 137 AMU। और जब इन दोनों का एवरेज लिया गया दैट इज 40 + 137
बाई टू। और जब कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक वेट का एवरेज लिया गया तो आया 88.5। और जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रॉन्शियम का वेट आता है वो 88 AMU आता है। और ये इनका दूसरा ट्रैड था, और उसके बाद इन्होंने एक और ट्रैड बनाया तीसरा, जिसके एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थे। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, आयोडीन का 127.5 AMU, और ब्रोमीन का जब इन दोनों का एवरेज लिया गया तो ब्रोमीन के नियरली इक्वल, जैसे ब्रोमीन का एक्सपेरिमेंटल 80 होता है, ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज लेने पर 127.5 और 35.5, जब इनका सम करके 10, 3, 6, 1, 163 आया इन दोनों का सम, और जब इसका एवरेज लिया गया तो 81.5 आया, और जो कि ब्रोमीन के बहुत क्लोज था। इन्होंने ये तीन ट्रैड बनाए जिसको नाम इन्होंने ट्रैड दिया। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी कि इन्होंने पहली बार एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया था। बेसिस पता इन्होंने एटॉमिक वेट पे किया था वो, लेकिन एक ही सिर्फ एक चीज़ पे किया था, एटॉमिक वेट। लेकिन उस टाइम पे 1800 के टाइम 1800 के टाइम जब इन्होंने ये डिस्कवर किया, ये अपना तीन ट्रैड बनाए थे, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। तो इनके मेरिट, अगर आप मेरिट कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मेरिट ऑफ डोब्रायने ट्रैड, तो मेरिट यही है कि इन्होंने पहली बार एलिमेंट को ग्रुप में अरेंज किया था। और अगर डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट का बात यही है कि इन्होंने लॉ बनाया था तीन तीन के ग्रुप में, ठीक है, और लॉ में ये भी था कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे रखा जाए, 7, 23, 39, 40, 88, 137, 35.5, 80, 127.5 की एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाए, तब दूसरे जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट दोनों के एवरेज के बराबर आएगा। लेकिन इनका लॉ खुद ही जो इन्होंने लॉ बनाया था एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट का, उसी को फॉलो नहीं किया। कहाँ पे फॉलो नहीं किया, यहाँ पे। अगर हम ग्रुप बनाए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 19 AMU, ब्रोमीन का 80 AMU। अगर हम इन दोनों का सम लें 18 + 19/2 तो आएगा 49.5। तो ये थ्योरेटिकल था, तो इनके मेंडलीव के लॉ के हिसाब से भी, मेंडलीव के लॉ के हिसाब, सॉरी यार पढ़ा रहे डोब्रायनर, अब बोल रहे मेंडलीव, डोब्रायनर के लॉ के हिसाब से क्लोरीन का एटॉमिक वेट 49.5 के आसपास होना चाहिए। लेकिन जो ओरिजिनल क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है, इतना ज़्यादा गैप। तो यहाँ पे इनका लॉ फेल हो गया, फेल नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट की देन थी और पहली बार इन्होंने अरेंज किया था। डीमेरिट बोल सकते हैं कि इनका लॉ का यही डीमेरिट था कि वो सेल्फ अनफॉलोड हो गया, सेल्फ अनफॉलोड। लॉ इन्होंने ही बनाया था कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे रखा जाए तो वो सेकेंड का प्रॉपर्टी दोनों के एवरेज के बराबर होगा। लेकिन जब ये एग्जांपल, जब इनका ग्रुप बनाया गया तो यहाँ पे ये लॉ फेल हो गया। तो यहीं के बाद इनका लॉ को सब रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड। इन्होंने कहा जैसे संगीत में सात सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद सा, सात के बाद जो आठवां सुर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये बोले कि जैसे संगीत में सात सुर होते हैं और आठवां सुर पहले की तरह सेम होता है, संगीत में सात ही सुर होते हैं लेकिन जो आठवां वर्ड आता है वो पहले के प्रॉपर्टी के, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि सा रे गा मा पा धा नी सा,
पाधा नी के बाद सा आता है, फिर वही ट्रेंड होने लगता है, सारे गामा पाधा निशा, सारे गामा पाधा निशा ऐसे होने लगता है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट की, एटॉमिक वेट के जब बढ़ते क्रम में रखा जाएगा, तो हर जैसे सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद फिर सा आता है, रा गा सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे होगा। ये ना म्यूजिक लवर थे, इन्हों जानते ना, जो जिसमें इंटरेस्ट रखता है उसी में अपना सॉल्यूशन खोजता है। तो ये म्यूजिक लवर थे और इनको केमिस्ट्री भी पसंद थी, तो इन्होंने केमिस्ट्री और म्यूजिक को मिला दिया। फिर उन्हें इन्होंने अपना जो टेबल बनाया, उनमें उस टाइम के जितने नॉन एलिमेंट थे उनमें से कुछ को रखा। जैसे इनका टेबल कुछ इस प्रकार था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन्होंने इतने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे अरेंज किया, और ये बोला जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे रखा जाए तो हर आठवां एलिमेंट पहले की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट ये है, तो उन्होंने कहा सोडियम लिथियम की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोला मैग्नीशियम बेरिलियम की तरह बिहेव करेगा। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, और हमेशा आगे की तरफ काउंट करना है, पीछे की तरफ नहीं। जैसे अगर यहाँ से काउंट कर रहे हो तो हमेशा 8 आगे आओ, पीछे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्होंने यही बोला कि हर आठवां एलिमेंट पहले की तरफ बिहेव करेगा। और ये इतने जितने भी एलिमेंट इन्होंने दिया सब में ये बात लागू होती थी। इनका मेरिट का बात करें, मेरिट ऑफ न्यूलैंड, और जिन्होंने लॉ बनाया था ना ये एलिमेंट को अरेंज करने का, इसको नाम दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव ऑक्टेव माने ऑक्टेव, आठ म्यूजिक के नोट, म्यूजिक के नोट। इनका मेरिट यही था, इन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट थे उनमें से मैक्सिमम को अरेंज किया था। बात करें इनकी, डोब्राइनर साहब की, तो इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट को अरेंज किया था, लेकिन इन्होंने बहुत इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 14 16 एलिमेंट को अरेंज किया था उस टाइम पे। नोन तो बहुत थे, लेकिन 16 एलिमेंट को अरेंज करना और सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे वो बड़ी बात थी। इन्होंने पहली बार बहुत सारे, इनका पहला मेरिट ये था, ही अरेंज अरेंज मेनी ऑफ द नोन एलिमेंट्स, नोन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम जितने भी इनमें एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनमें से बहुत को इन्होंने अरेंज किया। और इन्होंने पहली बार यूज किया टर्म पीरियोडिसिटी, ही यूज्ड फर्स्ट टाइम पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है ये आपको बताने बता रहा हूँ। देखिए पीरियोडिसिटी का मतलब होता है क्या है यार, ये कंस्ट्रक्शन कोई नहीं, चलिए अच्छा आपको पीरियोडिसिटी के बारे में बताते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब ना रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट रहना प्रॉपर्टी पे, ठीक है। पीरियोडिसिटी में, पीरियोडिसिटी का मतलब रेगुलर इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे पीरियोडिसिटी कैसे दिखेगा, यहाँ से 8 एलिमेंट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम से
रेगुलर इंटरवल, 8 एलिमेंट, लिथियम से 8वां एलिमेंट जो सोडियम है वो फिक्स प्रॉपर्टी लिथियम की तरह शो कर रहा है। लिथियम भी मेटल, सोडियम भी मेटल, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, कि यहाँ से 8वां एलिमेंट, अगर बेरिलियम से काउंट करें तो बेरिलियम से 8वां एलिमेंट फिक्स इंटरवल पे इंक्रीज होना या डिक्रीज होना या कांस्टेंट रहना प्रॉपर्टी में। कांस्टेंट क्या है कि ये भी मेटल है ये भी मेटल है, अगर यहाँ से काउंट करें तो ये भी मेटल है ये भी मेटल है। इंक्रीज क्या है, इंक्रीज में ये है कि इसका साइज स्मॉल होता है, सबको मालूम है इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज स्मॉल होता है, इसका साइज बड़ा होता है रेगुलर इंटरवल पे कांस्टेंट, किसमें मेटालिक करेक्टर में, ये भी मेटल ये भी मेटल। इंक्रीज किसमें, साइज में, इसका साइज छोटा है इसका साइज बड़ा। डिक्रीज का बात करें तो डिक्रीज यहाँ पे होगा नहीं, पीरियोडिसिटी का जनरल डिफिनीशन है, इंक्रीज डिक्रीज है कांस्टेंट प्रॉपर्टी में। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ होगा, साइज इंक्रीज होगा और प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगा, या भी मेटल या भी मेटल। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये हो गए इनकी मेरिट की बात, अब बात करते हैं इनके डीमेरिट की। तो डीमेरिट बात करेंगे, डीमेरिट ऑफ न्यूलैंड, डी मेरिट। तो पहला इनका डीमेरिट ये था, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। जब इन्होंने अपना ये टेबल बनाया था उस टाइम पे नोबल गैसेस नोन खोजे ही नहीं गए थे, ये बहुत पुराने समय की बात है, 1865 में इन्होंने अपना ये टेबल बनाया था, 1865 में। उस टाइम पे नोबल गैस कोई जानता ही नहीं था कि नोबल गैस भी कुछ होता है, तो नोबल गैस के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और जब नोबल गैस आए तो इन्होंने नोबल गैस को अरेंज नहीं किया था, लेकिन ये उनका डिमेरिट नहीं मान सकते क्योंकि तो उस टाइम पे नोबल गैस तो सर्च ही नहीं किए गए थे, तो इसको हम डिमेरिट में नहीं काउंट कर सकते हैं। बात करें आइसोटोप्स की, इनका जो पहला नोबल गैस को हम डिमेरिट नहीं मानेंगे, पहला हम अनडिमेरिट डिमेरिट मानेंगे आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स माने जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को बारे में जानते हैं आप, 1 प्रोटॉन, 1 एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इन्होंने सिर्फ इनको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे। जब आइसोटोप्स की बात आई, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है लेकिन बहुत से, कार्बन की बात करें तो कार्बन C12 और C14 की फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। सी कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, और जिस C14 है वो रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग, जो पुराने पुराने जो मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं खंडहर, उनका एज जो बताते हैं ना कि डायनासोर पाया गया वो 5,000 साल, इसका उम्र 5,000 साल पुराना होगा, या जो इजिप्ट में ममी पाई जाती है उसको बोलते हैं ना कि ये 2,000 साल पहले पुराना था, वो कैसे पाया जाता है, वो इस C14 से पाया जाता है। C14 के साथ कुछ रिएक्शन करा जाता है उस बॉडी का, जो भी जिसका भी एज फाइंड करना है, जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें C14 को यूज़ किया जाता है। इसका अगर हाफ लाइफ बोले ना, इसका हाफ लाइफ 5770 ईयर होता है। हाफ लाइफ माने जैसे एक आदमी है वो 100 साल जिया, तो उसका हाफ लाइफ टी हाफ माने हाफ टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो आधा खत्म हो चुका होगा, 50 साल। आदमी 100 साल जिया तो उसका हाफ लाइफ क्या रहा होगा, 50 साल, कि 50 साल में उसका आधा जिंदगी खत्म हो गया। वैसे ही C14 का आधा आधा जीवन 5770 साल का होता है, इतना धीरे धीरे ये खत्म होता है, इसलिए इसको रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है एज फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2, 1H3। आपको मालूम है ये, इसका मास 1 AMU होता है, इसका 2 AMU, इसका 3 AMU। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, सब में सेम है, तो डिफरेंस कहाँ हुआ, डिफरेंस आया न्यूट्रॉन की वजह से। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट से कंपेरेबल होता है,
ठीक है, इसीलिए इसका इसका मास 3 AMU हो गया, इसका मास 2 AMU, इसका मास 1 AMU। आप अच्छा एक बताइए, कोई आटम है ठीक है, ये कोई न्यूक्लियस बीच में पॉजिटिव और ये उसका सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आटम का मास कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट मेथड एग्जैक्ट है नहीं ऐसा, क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, सॉरी, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1/1837 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के 1/1837 टाइम्स छोटा होता है, इतना छोटा होता है, जिसकी वजह से जब हम बात करेंगे मास ऑफ आटम की तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ प्रोटॉन के मास को ऐड किया जाता है, इसीलिए 1H1 में हाइड्रोजन का मास 1 AMU सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन 0 था, इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2 AMU, हाइड्रोजन के मास को आटम में कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 1/10 भी 0.1 होता है, लेकिन ये 1/1837 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है, इतना छोटा क्वांटिटी, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोटोप। जब आइसोटोप डिस्कवर हो गए तो वो इनके टेबल में फिट नहीं बैठे, एक सेकेंड, ठीक है, जब आइसोटोप डिस्कवर हो गए तो वो इनके टेबल में फिट नहीं बैठे, क्योंकि इनका लॉ था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे, जब सी कार्बन C12 और C14 दोनों फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, जब दोनों को अलग अलग रखा गया तो इनका लॉ फेल हो गया, क्योंकि जब ऐसा रखा गया तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं आ रहा था, कोई नाइट्रोजन यहाँ पे आ जा रहा था, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जा रहा था, ठीक है, और इनका जो पहला हो गया आइसोटोप्स और दूसरा हो गया क्या, वो हैवियर एलिमेंट्स माने जो डी ब्लॉक नहीं होता, उसमें जो एलिमेंट नहीं होता, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम ये सब, कॉपर जिंक, जब ये सब डिस्कवर हो गए फ्यूचर में, जब उनको न्यूलैंड के टेबल में रखा गया तो वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे कि रेगुलर आठ हर आठवां मेंबर पहले की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि डी ब्लॉक खुद में ही 10 एलिमेंट का एक ग्रुप होता है, एक पीरियड होता है, एक पीरियड में डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट होते हैं, अब 10 एक बार 10 एलिमेंट काउंट करने में 8 तो बीच में ही ख़त्म हो गया, इसलिए ये दो रीज़न थे, मेन रीज़न है, एक हैवियर एलिमेंट और एक आइसोटोप, जब इनका डिस्कवरी हुआ वो न्यूलैंड के लॉ टेबल में फिट नहीं बैठ रहे थे, ये दो डीमेरिट हैं न्यूलैंड के, लेकिन एलिमेंट को पहली बार इन्होंने पीरियोडिसिटी का टर्म पे अरेंज किया, पीरियोडिसिटी इंक्रीजिंग पीरियोडिसिटी आपको समझा चुका हूँ, इन्होंने पहली बार इतने एलिमेंट्स को अरेंज किया और पीरियोडिसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया, क्वेश्चन जब आए ना कि हु यूज फर्स्ट टाइम द टर्म पीरियोडिसिटी, तो नाम आता है न्यूलैंड का, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन्होंने पहली बार पीरियोडिसिटी का टर्म यूज़ किया 1887 में, रॉयल लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है उन उसके द्वारा इनको डेवी मेडल मिला, डेवी मेडल एक होता हुआ कुछ मेडल, अपने ये लॉकल टेबल को अपने ये ऑक्टेव का टेबल देने के लिए इनको डेवी मेडल मिला रॉयल सोसाइटी से। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ हमसे पूछ सकते हैं या आप हमसे इंस्टा पे, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टा पे पूछिए, अगर आपको पब्लिक गाइडेंस चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल कर दिया जाएगा, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट हो पूछिए, बाय। जाने से पहले कुछ सुन के जाइए चलो मान लिया आएंगे ना तेरी महफिल में, चलो मान लिया आएंगे ना तेरी महफिल में, आना ही पड़ेगा तुम्हें हमारी महफिल में,
अबे आशिको, तुम्हारी आशिकी थोड़ी बता रहे हैं, हम केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। केमिस्ट्री क्या बोलता है कि हम तुम्हारी गली में नहीं आएंगे। चलो मान लिया, आएंगे ना तेरी गली में। केमिस्ट्री कहता है हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, अगर तुमको हमको पढ़ना है तो तुमको ही हमारी गली में आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें हमारी महफिल में। आशिकी कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। बाय।